ट्रॉफी खिलाने के बहाने चाचा ने भतीजी से बलात्कार कर की हत्या। तेंदुआ थाना अंतर्गत ग्राम इमलिया में एक 6 साल की मासूम से उसी के चाचा उत्तम आदिवासी ने बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक ने मासूम का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बच्ची 14 जनवरी से गायब थी। 15 जनवरी की देर शाम उसकी लाश चाचा के घर में मिली है। दरिंदे आरोपी चाचा उत्तम सिंह ने बच्ची की हत्या कर लाश बिंडा गांव में गेहूं रखने के लिए बनाए जाने वाली जगह में छिपा दी। माना जा रहा है कि बच्ची की हत्या 14 जनवरी को ही कर दी गई थी और तभी से वो लाश को छिपा कर बैठा था। सर कहा है कि शाम की टाइम 5 बजे उस उनने बंद कर लिया, फिर हमारे को पता नहीं चला सो हम भटकत रहे होनी तभी तक घूमत रहे, पता नहीं लगा। शाम के टाइम उनको पता लगा तब मन निकल देखियो वो बलात्कार किया है ना, तीन ही बंद किया है। नाम उत्तम था उसने। अच्छा। उसकी दादी माँ थी, श्याम की बट रही गेहूं 16 तारीख में वो श्याम को गेहूं लेकर आई, शक्कर और नमक मिलो तो वो कूटी में रख रही, मतलब कूटी में रख रही मिट्टी का अनाज बना लेते है ना, वो कूटी में रख रही तो उसने वो झांक कर देखा, उसमें हाथ पाथ डारा होगा एकदम, उस पर वो मोड़ी पकड़ाऊंगा आई तो एकदम वो घबरा कर बोली इसमें कोई डरा है कोई डरा है। उसके बाद में गड़बड़ हो गया तो वो पता चला कि वो मचल लाल भैया मोड़ी गई। तो ये कितनी तारीख से गायब हुई थी? वो 14 तारीख के भाई संक्रांत है ना। हाँ, संक्रांत वाले दिन, संक्रांत के दिन ऐसा हुआ शाम को, शाम को। अच्छा। हाँ। और आपको मालूम कब चला? 15 तारीख को सुबह। हाँ नहीं, शाम को ही पता पा लिया मैंने, शाम पकड़ लिया और का पता चला। अच्छा, आपको कैसे पता चला, किसके द्वारा? पता ऐसे ही चला ना, गेहूं मिले सुबह डुकरिया आई गाँव में, सुबह में उसमें कछु सामान सट्टा डाला, उसका हाथ पहुंच गया लड़की पे, वो घबरा गई कि जा मैं तो कोई डलो है। ये किसके घर में मिली थी? उनकी घर में मिली थी, उनके में। हाँ, उनके में। आज 16/1/2022 को थाना तेंदुआ से एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है और निवासी इमलिया थाना तेंदुआ से शव प्रतिवेदन लाया गया है पुलिस द्वारा, जिसमें जो परिजन है उनके द्वारा बच्ची से गलत काम कर उसका हत्या का आरोप लगाया गया है। अभी प्रकरण जांच में है, उसका पीएम किया जा रहा है और फॉरेंसिक साइंस लैब की मदद से जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पर रिपोर्ट बना के पुलिस को दीजिए। कल पुलिस को शाम करीब 8-9 बजे करीब सूचना मिली थी कि एक बच्ची का इमलिया गांव में मर्डर हो गया, जिसमें से तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को कब्जे में लिया गया और उसमें ये बात सामने आई है कि इसका पहले रेप हुआ है और फिर मर्डर हुआ है और आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी बच्ची का रिश्ते में चाचा ही लगता है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सब चीज़ें सामने आएंगी।